नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 16.1 करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 16.1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। 3a+2, 5 बी एस में b2, ठीक है। तो ये एक पसर है, ये आप कह सकते हो खेल है, और हर खेल का एक नियम होता है, ठीक है। तो इस खेल का भी एक नियम है, पहले उस नियम को समझते। नियम नंबर वन, रूल नंबर वन, जो पहला डिजिट होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आंसर में जो पहला डिजिट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ये नियम होता है। नियम नंबर दूसरा, सिंगल डिजिट, यानी यहाँ पे एक सिंगल डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 9, और सबसे ज़्यादा सिंगल डिजिट क्या हो सकता है, 9। दो सिंगल डिजिट को जब जोड़ोगे तो 9 और 9 कितना होता है, 18। तो यहाँ पे 1 कैरी होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो 1। तो आप देख सकते हो कैरी कितना है, 1। तो कैरी ज़्यादा से ज़्यादा कितना कैरी आ सकता है सिंगल डिजिट को ऐड करने पर। कैरी आएगा तो 1 आएगा, और कैरी नहीं भी आ सकता है, नहीं आए तो 0। नहीं आने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये 3 है और ये 5 भी है, 3 और 5 8, कोई कैरी आया नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हो कैरी आया है लेकिन कैरी 0, ठीक है। तो सिंगल डिजिट ऐड करने पे कैरी या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, और आंसर में पहला डिजिट 0 नहीं होगा, ये खेल के कुछ मिले। चलिए आगे बढ़ते सम्स की तरफ। a+5, 2 कभी ध्यान दीजिए, इधर का नंबर इधर 5 है और इधर का नंबर क्या 2, नीचे का नंबर कम रहेगा ना, तो उसको सिंगल डिजिट ना समझ के, मतलब समझे यहाँ पे 2 है, तो उसको 2 ना समझ के 12 समझो। क्या समझो, 12, कि उसमें से इधर जो नंबर होगा ना माइनस का, ये 5 है तो 12 माइनस 5 क्या हो जाता है, 7। तो जो आपका a का वैल्यू है ना वो 7 होगा, a का वैल्यू क्या होगा, 7। अब इसमें a का वैल्यू डालिए 3, a की जगह 7 प्लस 2, 5, 7 और 5 2 है, 3, 4, 5, 6, 62, ठीक है। तो अगर आप इधर से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो, तो b की जगह क्या है, 6, b की जगह है, तो a का वैल्यू 7 हो गया और b का वैल्यू 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो ये जो ये वाला c डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता है, नियम देखा हम। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी ये पे 8 है, यहाँ पे 3 है, नीचे नंबर कम है ना, तो उसको 3 ना समझ के क्या समझेंगे, 13 समझेंगे, ठीक है। ये 8 वहाँ चले जाएगा तो माइनस है, 13 माइनस 8 क्या होता है, 5, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी a की वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे a है ना, तो a की वैल्यू होगी। अब a की वैल्यू सब शूट करो, हो जाएगा 4, a की जगह क्या लिखोगे, 5 प्लस 9 8, 5 और 8 13, ये 143। अब इधर कंपेयर करो, सी बी 3 है, मतलब ये वाला क्या हो गया C, ये वाला B, ठीक है। तो A का वैल्यू हो गया 5, B का वैल्यू हो गया 4, और C का वैल्यू हो गया 3। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, मतलब ये तीनों सेम डिजिट होना चाहिए। क्वेश्चन में 1a है, 1 ए की जगह में समझो 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, और 11 अंदर 11 यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे 9 चाहिए, मतलब 1 से जुगाड़ नहीं होगा। तो 12 से करते हैं, 2 किया 2 + 4 तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 9 चाहिए। तो अगर 3 से ज़्यादा 13 का करना पड़ेगा, 13 3 39 उसका नहीं चल पाएगा, 14 4 56 नहीं चल पाएगा, 15 5 75 नहीं चल पाएगा, 16 6 96 होता है, ठीक है, 6 6 6 6 36 6 6 5। देखिए ये डिजिट, ये डिजिट, ए डिजिट सेम भी होगा, यहाँ पे 9 भी होगा, मतलब ए का वैल्यू क्या है, 6, ओके। ये सब रीज़न है, ये क्वेश्चन में दिया है कि रीजनिंग देना है, तो हम ये सब सॉल्व करके दिखाना है, दैट इज द रीज़न। क्वेश्चन नंबर 4,
हम वन प्लेस पे देखते हैं, यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे ए दिया है, मीन दो डिजिट दे चुका है, दो अल्फ़ाबेट दे चुका है जिसका वैल्यू नहीं पता, तो इसको अब दूसरे 10 डिजिट पे जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए प्लस 36 है, बराबर ए प्लस 36 है, ठीक है। और दो बार लिखता हूँ मैं, क्यों थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, ए प्लस 36। अब ये जो टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस बोलो, ये टेंस प्लेस है। तो टेंस प्लेस का जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे कैरी वन हो सकता है या जीरो हो सकता है, मतलब कैरी वन हो सकता है और कैरी नहीं भी होगा, मतलब क्या है कैरी जीरो होगा, तो यहाँ पे कैरी जीरो हो सकता है, ठीक है। अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, मीन्स ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, इधर थ्री है इधर वन है और कुल मिला के 6 आना चाहिए, ए का वैल्यू क्या होगा 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 0 है, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 6 आने के लिए, ए का वैल्यू होना चाहिए 3, ठीक। अब तो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ए का वैल्यू एक दफ़ा 2 डालिए और एक दफ़ा ए का वैल्यू 3 डालिए, देखिए आपको कुछ आंसर आता रहेगा, ठीक। तो ए का वैल्यू 2 डालते हैं, 3 की जगह 2, 3 7 प्लस 6 ए की जगह 2 और ए की जगह 3 डाल के देखिए, यहाँ पे कैरी है ना, कैरी यहाँ पे डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कैरी बन है, ठीक। नाउ ए की जगह क्या डाल सकते हैं, 3 3 7 प्लस 6 3 यहाँ पे है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। अच्छा अब ये सम हमारा फर्स्ट जैसा हो गया, जैसे देखिए ये 7 है ये 2 है ये कम है, तो इसको 2 ना समझ के क्या समझेंगे, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5, बराबर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो अब बी की वैल्यू हम इधर में हमको बी की वैल्यू क्या मिला 5, तो अगर ये बी है इस बी की जगह मैं 5 डालता हूँ तो देखते हैं इक्वेशन बेटर है, 5 प्लस 7 12 1 कैरी 2 बेटर, पूरा करेक्ट जा रहा है, मतलब ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 5 है, ये हमारा आंसर है। ये क्यों लॉन्ग है वो भी चेक कर लें, जैसे ये 7 है 3 है तो ये 3 को ना समझ के क्या समझाएंगे 13, और ये माइनस करो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, तो b का वैल्यू क्या रहेगा, b का वैल्यू 6, मतलब b की जगह 6 करेंगे, ठीक है। 6 और 12 13 1 आना चाहिए कैरी, और हमने कैरी क्या लिखा 0, मतलब ये इक्वेशन लॉन्ग है, ओके। तो आंसर क्या हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया और बी का वैल्यू 5, ओके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, ए बी इंटू 3 गिव्स अस सी ए बी, देखिए तो ये जो सी है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होता, ठीक है। और जो ए है इधर ए का वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ए का वैल्यू 0, क्योंकि अगर समझो मैं ए 0 समझता हूँ, ए अगर मैं 0 समझता हूँ मतलब बचा क्या बी और नीचे बचा 3, मतलब ऊपर भी सिंगल डिजिट है और नीचे भी सिंगल डिजिट है, और दो सिंगल डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 2 डिजिट ही होगा, 3 डिजिट आएगा ही, जैसे कि मैक्सिमम सिंगल डिजिट क्या है 9, इधर भी मैं 9 ले लेता हूँ, 9 9 81, 2 डिजिट का आंसर आ रहा है, मतलब तीसरा डिजिट क्या है 0, और तीसरा डिजिट 0 हो ही नहीं सकता, समझ में आया, मतलब ए का वैल्यू 0 नहीं है और सी का वैल्यू 0 नहीं है, क्लियर। चलिए अब इधर देखिए, 3 को b से मल्टीप्लाई करना है ताकि उसके आंसर में लास्ट यूनिट प्लेस पे b आए, तो ये क्या हो सकता है, जैसे ऐसा चाहिए 3 इंटू बी, ऐसा नंबर होना चाहिए कि इसका जो आंसर आए इधर जो नंबर होगा वही नंबर इधर भी होना चाहिए, आगे से मतलब नहीं, टेंस प्लेस वाले से मतलब नहीं, यूनिट प्लेस पर वही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 0 0 3 0 0, देखो 0 0 आ गया और 3 1 3 नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 3 आता है, 3 5 15 3 5 15, देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे भी 5 है, मतलब b का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, समझा कि नहीं, b का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, ठीक। उसी तरह आप यहाँ पे देखो, अभी 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू ए करेंगे तो भी क्या आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए, 3
इंटू ए करेंगे तो ए आना चाहिए, मतलब थ्री से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि उसका जब आंसर लेंगे तो भी वो ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए। तो यही हो गया, थ्री इंटू ए इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कैरी भी हो सकती है, बाद में देखते हैं, मतलब सेम है, मतलब ए का वैल्यू क्या हो सकता है, ए का वैल्यू या तो जीरो हो सकता है या तो फाइव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि ये डबल डिजिट के बदले सिंगल डिजिट का सम बन जाएगा, तो बचा क्या, ए का वैल्यू क्या, फाइव, वेरी गुड। तो ए का वैल्यू हमको मिल गया फाइव, ठीक है, ए का वैल्यू मिल गया फाइव। अब इसी सम में ए का वैल्यू फाइव डालो और बी का वैल्यू एक बार जीरो डालो और एक बार फाइव डालो। तो ए का वैल्यू पहले मैं फाइव डालता हूँ, फाइव, और बी की जगह जीरो लिखता हूँ, जीरो थीटा जीरो, फाइव थीटा फिफ्टी, ठीक है। और एक बार ए का वैल्यू वही फाइव रहेगा और बी का वैल्यू भी फाइव रहेगा, फिर देखते हैं कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इधर हमने क्या किया है, इसमें हमने ए का वैल्यू फाइव डाला है और बी का वैल्यू जीरो डाला है, और इस सब में ए का वैल्यू फाइव डाला है और बी का वैल्यू जीरो डाला है, इधर बी का वैल्यू फाइव है, ठीक। अब देखते हैं कौन सा आंसर हमारा राइट है। सबसे पहले आप क्या देख सकते हो कि इधर बी है तो इधर भी बी चाहिए, तो इधर जीरो, इधर भी जीरो चाहिए, फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए चाहिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए चाहिए, मैच हो रहा है, मैच हो गया, मतलब ए का वैल्यू फाइव, बी का वैल्यू जीरो, और ये सी की जगह, सी की जगह क्या है, ये हमारा आंसर। अब इधर देखिए, इधर ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ बी है, यहाँ बी ए करेक्ट है, यहाँ पे ए फाइव है और यहाँ पे ए क्या है, सिक्स, गलत ना, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे, मतलब ये वाला रॉन्ग है। तो हमारा आंसर है ए इक्वल टू फाइव, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू वन। सेम सर, उधर थ्री से मल्टीप्लाई किया था, इधर फाइव से मल्टीप्लाई किया था, तो सी का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता, सी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, ए का वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइव इंटू बी, बी चाहिए, फाइव इंटू बी, बी चाहिए, तो ऐसा क्या हो सकता है, फाइव जीरो जा जीरो और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, बरोबर, देखो इधर सेम आ गया, मतलब बी का वैल्यू या तो जीरो है या तो फाइव है, और ए का भी देखो फाइव ए इंटू ए दिया ना, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फाइव ए, इसका आंसर क्या आ रहा है, ए, मतलब फाइव ए इंटू ए, फाइव ए इन फाइव इंटू ए गिव्स अस ए, तो अगेन ए का वैल्यू क्या होगा, जीरो या तो फाइव। लेकिन अभी अभी हम थोड़ी देर पहले हमने समझा कि ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, तो ए का वैल्यू क्या, फाइव, मतलब ए का वैल्यू फाइव डालो और उसी समय एक बार ए का वैल्यू फाइव और बी का वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू फाइव और बी का वैल्यू जीरो, या तो ए का वैल्यू फाइव और बी का वैल्यू फाइव डाल के देखो किसमें आंसर सूट होगा, आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो ए की जगह डालते हैं फाइव, बी की जगह डालते हैं जीरो, तो इधर फाइव था क्वेश्चन में जैसा दिया वैसे लिखूंगा, हाँ, फाइव जीरो जा जीरो, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, यहाँ पे ए की जगह फाइव, बी की जगह फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव और टू ट्वेंटी सेवन। अब देखते कहाँ आंसर मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, मतलब ये जीरो, ये जीरो, ये फाइव, ये फाइव, मैच हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा ना, देखो फाइव ए बी भी मैच हो रही है, ए और ए मैच नहीं हो रहा, इधर फाइव इधर सर है, मतलब ये रॉन्ग है, मतलब ए का आंसर क्या है फाइव, बी का आंसर क्या है जीरो, और पहले इस नंबर को क्या बोलते सी ना क्वेश्चन में से, तो सी का वैल्यू क्या है टू, तो ए का वैल्यू फाइव, बी का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू टू, सेवन। ए बी इंटू सी गिव्स अस ट्रिपल बी, मतलब ये जो ऐसा हो गया इसका सिक्स इंटू बी, हमको बी आना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा सिक्स जीरो जा जीरो, ठीक है, देखो ना ए डिजिट ए डिजिट मैच करके, सिक्स वन जा सिक्स नहीं होगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व, बरबर, ए डिजिट ए डिजिट मैच कर गया, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, समझ में आ रहा, सिक्स फाइव जा थर्टी नहीं हो पाएगा, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, सिक्स एट जा फोर्टी एट, ठीक है।
मतलब बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बी का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 2, 4, 6, 8, ये पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए पहला डिजिट बी है ना, और बी क्या नहीं हो सकता, पहला डिजिट 0, तो मतलब बी का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, क्लियर। तो बी का वैल्यू बचा क्या है, 2, 4, 6, 8, बी का वैल्यू है तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, ठीक है। तो बी की जगह 2 डाल के देखते हैं, पहले 8, 2, 2, 6, 12, ठीक है, अगले मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि तो बी की वैल्यू 2 डाला तो यहाँ पे 2, 2 होना चाहिए, क्लियर। बी की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं, 8, 4 × 6, 6, 4 = 24, और यहाँ पे सब 4, 4 होना चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू 6 डाल के देखते हैं, 8, 6 × 6, 6, 6 = 36, 6, 6, बी का वैल्यू ना सर। और ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 8 डाल के देखते हैं, 8, 6, 8 = 48, ये 8, 8 ऐसा आंसर आना चाहिए, क्लियर। अब इस चार पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी आंसर है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 6 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 जोड़ना है ताकि यहाँ पे 22 आए, तो 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, 18 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 19 ही आएगा, मतलब 6 × 4 = 24, आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब 6 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है और उस आंसर में 2 जोड़ना है ताकि 44 आए, तो ऐसा आता है क्या? 6 × 6 = 36, 36 में 2 जोड़ो तो 38 हो गया, 6 × 7 = 42, और 42 में 2 जोड़ो तो 44, हाँ मतलब ए की जगह क्या चाहिए, इधर ए की जगह 7 चाहिए, बरोबर, और बी की जगह क्या है, 4, तो इसका आंसर हो गया B = 4, A = 7, ठीक है। आगे भी देखते हैं रॉन्ग क्यों है, समझ में आ जाएगा। 6 × A, 6 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसमें 3 जोड़ने पे 66 आए, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता ना, 6 × 54, 54 में 3 जोड़ो 57, आ ही नहीं सकता, क्लियर है। अगेन 88 भी नहीं आ सकता ना, 6 × 9 = 50, तो बचा के ये हमारा आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगेन ये तो बहुत आसान है, ये 0 को 0 ना समझ के 10 समझो और इसमें से 1 माइनस करो, और 10 - 1 क्या हो गया, 9, तो ये b हो गया, b क्या हो गया, 9, तो इधर डाल a 1 + 1, b की जगह 9, b की है 9, 0 प्लस करो इसको, 9 और 1 = 10, तो इधर पे देखिए a का वैल्यू क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और मिला के 9 आना चाहिए, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू 7 होना चाहिए, 8, 9, ए का वैल्यू क्या हो गया, 7, और बी का वैल्यू क्या हो गया, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, नीचे ज़्यादा है ना, ऊपर वाले से ज़्यादा रहेगा तो उसको 8 समझो, उसको 8 नहीं समझता, तो उसमें से 1 माइनस करो, 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, मतलब बी का वैल्यू क्या है, 7, अब बी जहाँ जहाँ वहाँ 7 डालो, 2 A 7 + A 7 1 7 1 8, अब ध्यान दीजिए 7 और 1 = 8 हो गया, मतलब यहाँ पे कैरी नहीं है, कैरी क्या है, 0, अगर कैरी 0 है यहाँ पे क्या आना, यहाँ पे 1 है, 1 मतलब क्या, 1 तो आ नहीं सकता, इधर 7 है तो यहाँ 1 आ नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है, ध्यान दो, तो कैरी 0 है तो 7 में इधर ए की जगह क्या होना चाहिए, ए की जगह अगर 4 होगा तो देखो 11 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, बरोबर, तो ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह 4 आएगा, तो आंसर बहुत आसानी से मिल गया, बी का वैल्यू 7 और ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 7 और ए का वैल्यू 4, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टेन सम 1, 2, A, 6, A, B = 9, अगर इधर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, आंसर इधर 9 आया, लेकिन ऊपर A और B है, समझो मैं A को ज्यादा से ज्यादा A क्या हो सकता है, 9,
और बी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, नाइन जोड़ो, नाइन और नाइन कितना होता है 18 ना, इसलिए मैं वन को कैरी नहीं करता। इधर क्या है 8 और इधर क्या दिया है 9, मतलब ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या आ सकता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा आंसर इसमें 18 आ सकता है, और 18 आएगा तो 1 कैरी होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, तुमने 9 दिया है, 9 दिया है मतलब क्या है कि यहाँ पे कैरी है, यहाँ पे कैरी है, क्योंकि कैरी वाला अगर होता तो इधर 1 कैरी वाला होता तो यहाँ 1 और 9, 1 और 9 19 होता, समझो कैरी होता तो कैरी क्या होगा 1 होगा ना, 1 या मैक्सिमम कैरी कितना होता है या तो 1 या 0 हो सकता है, तो समझो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 आ रहा है तो 1 और 9 क्या होगा 19, और 19 आंसर आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 9 और नीचे भी 9 हो सकता है, 9 और 18 होता है, समझ में आ गया, मतलब कैरी है नहीं, कैरी नहीं है मतलब यहाँ पे कैरी क्या है जीरो, समझा। आप इधर पे ध्यान दो, ये टेंस प्लेस पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये 2 को मिला के ये 0, 0 मतलब क्या होगा ये 10 होगा ना, मतलब ये 2 है तो इधर इधर ये नंबर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या होना चाहिए 8, अगर ए का वैल्यू 8 होगा, 8 और 2 जोड़ेंगे 10 होगा, मतलब 0 आ जाएगा ना, तो अब ए का वैल्यू 8 डाल के दो, 1 2 8 6 8 b 8 0, क्लियर। अब ये वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है ऊपर 8 है नीचे 9 ज्यादा है, तो इन दोनों को माइनस करो, किसको माइनस करोगे ये 9, इसमें से क्या माइनस करोगे 8, 9 माइनस 8 क्या होता है 1, तो b का वैल्यू क्या है 1, और आंसर वेरीफाई करना है तो अगेन b की जगह 1 डाल के चेक कर लो, कितना 809 आ गए, क्लियर है। तो a का वैल्यू क्या हो गया 8 और b का वैल्यू क्या हो गया 1, क्लियर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।